नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से न्यूज चैटर पर। तो दोस्तों, आईपीएल 2022 का आठवां मुकाबला आज 1 अप्रैल कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला आज 7:30 बजे से मुंबई की वानखेड़े स्टेडियम पर खेला जाएगा। क्रिकेट के लिए ये तीसरा मुकाबला है तो वही पंजाब किंग्स के लिए दूसरा। कोलकाता पिछला मुकाबला बेंगलोर से हार कर आ रही है, वही पंजाब किंग्स आखिरी मुकाबला बेंगलोर से जीत कर आ रही है। दोनों ही टीम इस साल काफ़ी मजबूत नजर आ रही है। केकेआर की टीम में ऑलराउंडर से भरी पड़ी है। टीम के लिए बल्लेबाजी तो अच्छी चल रही है लेकिन गेंदबाजी थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रही है। अगर केकेआर को आज का मैच जीतना है तो उन्हें अपनी टीम में यह दिक्कत सॉल्व करनी होगी। तो वही पंजाब किंग्स भी गेंदबाजी में संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब की भी बल्लेबाजी बेहतरीन नज़र आ रही है। पिछले मैच में बल्लेबाजी की दम पर ही पंजाब किंग्स पिछला मैच जीता था लेकिन गेंदबाजी यूनिट उतना खास नज़र नहीं आ रहा है। टीम की नए कप्तान मयंक अग्रवाल से इनको काफ़ी उम्मीदें हैं। वहीं इन दोनों के बीच हेड टू हेड मुकाबले की बात करें तो इन दोनों के बीच अभी तक 29 मैच खेले गए हैं, जिसमें से कोलकाता ने 19 बार तो वहीं पंजाब ने 10 बार जीत हासिल की है। सब पता लगता है कि कोलकाता हमेशा से ही पंजाब पर भारी पड़ता रहा है। ऐसे में आज कौन किस पर भारी पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कौन इस मैच में जीतेगा, नीचे कमेंट्स में बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।